नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हैं शहडोल संभाग में और हम आपको घुमाते हैं विराटेश्वर शिव मंदिर, जो कि भगवान महादेव को समर्पित है। और यह मंदिर इस जगह में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने एरिया के लिए। और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे एक हफ्ते का मेला लगता है, जो कि देखने लायक होता है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर और दिखाते हैं कि मंदिर के गर्भगृह पे कैसे भगवान शिव एक छोटी सी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो कि अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है शहडोल का यह विराट शिव मंदिर, जिसे देख करके आपको खजुराहो के मंदिर की याद आ जाएगी, क्योंकि जो दोनों मंदिरों का निर्माण है वो लगभग एक ही शताब्दी में हुआ है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी अमूल्य धरोहर है जो प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करती है। विंध्य क्षेत्र के शहडोल में भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक मंदिर है, जो अपने अंदर कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक खूबसूरती को बटोरे हुए हैं। जहां इतने बड़े मंदिर के गर्भगृह में छोटे शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव विराजमान हैं, यह अपने आप में ही एक अनूठी बात है। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ मिलता है। मंदिर के मध्य भाग में भगवान शिव, बाईं ओर भगवान गणेश और दाईं ओर माँ सरस्वती का अंकन है। इस मंदिर के बाहर भाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव का भी अंकन किया गया है। इसके साथ ही माँ गौरी और माँ दुर्गा की भी प्रतिमाओं का अंकन देखने को मिलता है। दोस्तों, शहडोल संभाग का यह मंदिर विराटेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो कलचुरी नरेश थे, युवराज देव प्रथम, उन्होंने करवाया था। इसका जो शिखर है वो 1.5 से 2 फीट नीचे की ओर झुका हुआ है। जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं उन्होंने इसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी ली हुई है, परंतु जो शिखर है आज भी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आया है। प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और उसी क्रम में 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इनका कॉम्बिनेशन करके इन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। खजुराहो में चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे और महाकौशल विंध्य क्षेत्र में कलचुरी नरेशों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। 9वीं सदी से 12वीं सदी के बीच शिल्प कला काफ़ी विकसित हो चुकी थी। ये भी खजुराहो के समकालीनी है, इसलिए जैसे खजुराहो में आपको शिल्प कला देखने को मिलती है, वैसे ही कलाकृति यहाँ भी देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों का वनवास हुआ था तो उन्होंने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पे रहकर के बिताया था। थोड़ा आगे जाने पर आपको बाणगंगा मिलेगा, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने अपने तीर से उस कुंड का निर्माण किया था और पानी का उद्गम हुआ था। तो हम मंदिर के बाद आपको वहाँ भी लेकर के चलेंगे। Thank you.
दोस्तों ये जो विराट मंदिर है वो शहडोल के सोहागपुर क्षेत्र में आता है और यह सोहागपुर के बाणगंगा में स्थित है। यह मंदिर पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की जो लंबाई है वो 46 फीट है, चौड़ाई 36 फीट है और जो मंदिर की ऊंचाई है वो 70 से 72 फीट के आसपास में है। इसे शहडोल का आइकॉन भी कहा जाता है। जीवन में ब्रह्मचर्य से संन्यास तक का सफर धर्म अर्थ व काम के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा का परमात्मा में मिलने का संपूर्ण दर्शन आपको इस मंदिर में देखने को मिलता है। दोस्तों हम आ चुके हैं बाणगंगा में। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं तरफ है मुख्य कुंड, जिसे महाभारत काल में अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान अपने बाण से कुंड का निर्माण कराया था, इसलिए इसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानना है कि पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होने पर इस कुंड का पानी पीने से वह ठीक हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।